हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन विद इन 30 मिनट्स। ट्रस्ट मी गाइस, जितना प्रोजेक्टाइल मोशन आप दो घंटे पढ़ेंगे ना, उतना मैं आपको 30 मिनट के अंदर अंदर सिखा करके भेजूंगा, उससे भी कम टाइम लग सकता है। हाँ, तो आप ये मान के चलो कि भाई ये आप दो दिन बच्चे देख रहे हो, ये बच्चा इतना खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ आया तो प्रोजेक्टाइल मोशन सीख के जाएगा। ये देखो, ये लड़की भी देखो कितनी खुश हो रही है, क्योंकि इसको भी पता है कि अब चाहे निशाना लगे या ना लगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन पे इसका निशाना पूरी तरीके से ठीक बैठने वाला है। ये देखो, ये अलग ही इसको फुटबॉल रही है, क्योंकि इसको भी पता है आप चाहे फुटबॉल खेलूं या क्रिकेट, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा बस, और कुछ नहीं हम कह सकते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में ना आपने कहा था, जिन-जिन टॉपिक्स पर आपने कहा, उन-उन टॉपिक्स पर वीडियोस आती चली जा रही हैं, चाहे वो वेक्टर हो, वन शॉट डिफरेंशिएशन हो, या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट हो, मोशन स्ट्रेट लाइन हो, इंटीग्रेशन हो, ग्राफ्स हो, तो इन सभी टॉपिक पर आप ये देख रहे हो, एकदम छोटू-छोटू से टाइम में हमने टॉपिक को एकदम गहराई से खत्म कर दिया है। तो आप अगर चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बने, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताना आपका कमेंट। जिस कमेंट पर सबसे लाइक होंगे उसी कमेंट पर सबसे पहले वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन आप चाहते हो कि भाई इस वीडियो में ना, मैंने हर एक वीडियो में जो नोट्स मैं जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो की पॉइंट्स हैं, वो एकदम बेस्ट हैं। तो अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको इसके लिए ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा अभिषेक साहू सर फिजिक्स का नाम से, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दी है, लेकिन कई बार लिंक काम नहीं करती है, तो आपको क्या कर लेना, टेलीग्राम पे जाकर के नाम से सर्च कर लेना अभिषेक साहू सर फिजिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, और उसमें भी हम ये जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या है, क्योंकि इसमें ना ये सब कुछ खेल है छोटे छोटे टर्म्स का, वो टर्म्स हमें समझ लेने हैं। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो सर ऑब्जेक्ट को ही हम फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रोजेक्टाइल कहते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं पाथ, मतलब रास्ता, और हम इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, चलिए अगर मैंने कहा मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका और इसको कितना टाइम लगा हवा में, तो मैं इसको नॉर्मल बोल सकता हूं टाइम इन एयर, लेकिन इसी चीज को प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। फ्लाइट मतलब उड़ने वाला समय। ठीक, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, रेंज। तो बच्चों को डर लगता है, बोलो अरे सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना है, सर मैं कैसे, मैं तो मर जाएगा। हां, तो आपको ये समझ लेना है कि घबराना नहीं है, ये सिर्फ छोटे छोटे से नाम है। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन है जो कि सबसे पहली चीज प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब जिसको ग्रेविटी कंट्रोल करती है। और एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन में जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, तो इसका पाथ मतलब रास्ता पैराबोलिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को या इस पेन को मैंने इस तरीके से फेंका। ठीक, ये देखो इस तरीके से फेंका, तो आप क्या देखते हैं कि भाई ये मोशन कैसा है, ये मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, और इसका पाथ मतलब रास्ता कैसा है, पैराबोलिक। और जैसे ये मेरे हाथ से छूटी, इसको किसने कंट्रोल किया, इसको ग्रेविटी ने कंट्रोल किया। तो ऐसा मोशन जिसका जो टू डायमेंशनल हो, ऐसा मोशन जो टू डायमेंशनल हो, पाथ पैराबोलिक हो, और इसको कौन कंट्रोल करे, ग्रेविटी कंट्रोल करे, ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बात समझ में आई? प्रोजेक्टाइल मोशन है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जैसे कि आपका एक फ्रेंड है, उसने मस्त सा शॉट मारा और आप गए लपक के, आपने डाइव मारी और आपने जो इस तरीके से बोला, आपकी बॉडी छिल गई, आप मस्त गर्मी वाला डांस करने लगे, लेकिन आपने क्या कि आपने इस बॉल को कैच कर लिया। तो बॉल का रास्ता कैसा हुआ, कुछ इस तरीके का ऐसा। तो ऐसे वाले पाथ को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, या कहूं पैराबोलिक पाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराबोलिक पाथ, और ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप यहां देखेंगे, जैसे ये बंदा जो है, आप इसको देख रहे हैं, इसने वाटर स्ट्रीम जा रही है इसकी कुछ इस तरीके से, तो ये वाला रास्ता भी कैसा है, ये भी पैराबोलिक है। इसने जो है बॉल को किक किया, अब ये देखो इसने तो किक कर दिया, लेकिन इसको कंट्रोल, ये टू डायमेंशनल है आप मानते हैं, इसको कंट्रोल अब कौन कर रहा है, इसने तो किक कर दिया ना, इसको कंट्रोल कर रही है अभी ग्रेविटी, मतलब ऊपर जाएगी अब नीचे आएगी, वेलोसिटी लगातार बदलेगी, तो कौन कंट्रोल कर रहा है, ग्रेविटी। आप ये देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मान के चलो कि चाहे भाई बुलेट बंदूक की गोली बाहर निकले, या फिर यहां से तीर बाहर निकले, इनका मोशन भी कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल। एक्चुअल में क्या होता है, आप ये मान के चलो कि यदि इस कन्या को यहां पे जो है हिट करना है, इसको यहां हिट करना है, तो इसको पता है कि अगर मैं जो है ना यहां से एरो छोड़ूंगी, तो होगा क्या कि इस एरो पर भी ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, और ये एरो भी यहां से घूम के जाएगा, ये गया तो इस तरीके से है, ये अगर सीधा मारे, ये बिल्कुल सीधा मारे ऐसे, इसको यहां हिट करना है, तो सीधा जाएगा तो कहां घुसेगा, तो ये ऐसे, नहीं ज्यादा सीधा नहीं, ज्यादा नहीं झुकाना है, ठीक है, तो ऐसे जाएगा इस तरीके से, ये ऐसे गया
ये ऐसे गया और यहां से घूमते हुए ये यहां घुस जाएगा, ठीक है, मतलब हमने यहां नहीं रखा है, ठीक, चलो मैं हटा देता हूं ना, तो आपको समझना है रैंडम लिया है मैंने, कोई जानबूझ के नहीं करा है, ठीक है ना, तो आप भी समझोगे एक्चुअल में क्या है कि इसको रखना है ऊपर, ठीक, चलिए इसको रखना है कहां, इसको रखना है ऊपर, ठीक, ताकि ये घूम के आएगा और यहां पर एग्जैक्ट, मतलब इसने ऊपर रखा तो एक्चुअल में होगा क्या कि भाई एक्चुअल में होगा ये कि यहां से आएगा और ये इस तरीके से घूम जाएगा, क्लियर हुई बात ना, तो बात समझ में आ गई, तो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन हम हर जगह देखते हैं, ठीक, हम हर जगह प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं, चलिए और हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, चलिए अभी होता क्या है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि आप भी समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि भाई इट इज ए टू डायमेंशन, ये तो हम समझ लिया, अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को, मतलब ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट फेंकते हैं ऊपर, ठीक, तो स्ट्रेट ही वापस आ जाएगा अगर, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो पाएगा, तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन शुड नॉट बी, या प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी थ्रोन विद एग्जैक्टली वर्टिकल वेलोसिटी। चलिए आगे हम बात करेंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ये माने कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल में जैसे मान के चलो मैं कहता हूं कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करें तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होती है, एक होती है आपके, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेट, एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक होती है वर्टिकल वेलोसिटी। अभी क्या होता है ना कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसको ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो तो आगे बढ़ना चाहता है, जो ऊपर जाना चाह रहा है उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो आप ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ग्रेविटी अफेक्ट नहीं करती, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, ठीक, ऑलवेज रिमेन सेम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए इतनी बात हो गई ना, आगे आप भी लिखेंगे कि वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी क्या होता है ना कि ग्रेविटी किसको अफेक्ट करती है, ऊपर जाने वाले कॉम्पोनेंट को, या कहूं वर्टिकल कॉम्पोनेंट को, हाँ, तो और जो वर्टिकल वेलोसिटी है लगातार बदलती रहती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे देखें। तो वर्टिकल वेलोसिटी कुछ मैं बात बताता हूं, जैसे अगर आपने बॉल को फेंका किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और इसके पास, इसके हमने दो कंपोनेंट किए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, प्रोजेक्टाइल ऐसे गया तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई इसके पास एक्चुअल में क्या है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो आप ये देखेंगे धीमे धीमे ये अभी देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब ये और ऊपर नहीं जा पा रहा, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अब ये और ऊपर नहीं जा पा रहा ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी हो गई इस जगह पे जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है इसके पास, तो हम क्या बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाती है, इसके बाद फिर से वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर से वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी, बात क्लियर हुई, तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है इसकी। नाउ जरूरी नहीं होता कि प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ ऐसे जाए और ऐसे आए, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ऐसे है तो उसका आधा पार्ट भी आप ये देखेंगे इतना, तो ये भी क्या है, ये भी पैराबोलिक पाथ होता है, तो आप इसको भी क्या बोलते हैं, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक टाइप है। अगर कोई भी चीज मान को चलो मैंने छत से फेंकी और सीधे फेंक दी, तो छत से ऐसे गई, और ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक टाइप है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जब मैं किसी बॉल को किसी एंगल के साथ फेंकता हूं तो इसका रास्ता कुछ ऐसा होता है और इसको बोलता हूं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन जब मैं किसी बॉल को सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंकता हूं कुछ इस तरीके से, तो इसको बोलता हूं मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कुछ दो तीन टर्म्स हैं, उसके लिए आपको कैसे कैसे वर्क करना है ध्यान रखो, ये एकदम गोल्डन नोट्स है, इनको डाउनलोड जरूर से कर लेना टेलीग्राम से ना। अभी देखो कभी भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कौन से एक्सेस में वर्क करना है, दो ही एक्सेस हैं, या तो एक्स या फिर वाई। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ना, तो क्या आप रोड पे उड़ते हो क्या, नहीं, आप उड़ते हो ऊपर, दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है आपको y एक्सिस में वर्क करना है, ठीक। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट होती है ऊपर, तो हाइट निकालना है तो भी आपको y एक्सिस में वर्क करना है। रेंज, रेंज मतलब कितनी दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो आपको x एक्सिस में वर्क करना है। डायरेक्शन कभी भी निकाल लो किसी भी चीज की, तो हमेशा tan थीटा लगाते हैं, ठीक ना, समझो भी। अभी देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है, तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लेकिन कौन से एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, ठीक। चलिए अगर आपको रेंज निकालना है तो रेंज का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि रेंज एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस ही तो है। चलिए साइन कन्वेंशन की हम बात करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, तो हमेशा याद रखो एवरीथिंग, अगर सारी चीजें सेम ही डायरेक्शन में, जैसे मोशन सिर्फ और सिर्फ नीचे की साइड हो रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव साइन लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोई मोशन अगर बॉल ऐसे जा रही है, पहले ऊपर फिर नीचे,
तो यहां पर दोनों टाइप के मोशन है, अपसाइड भी और डाउनसाइड भी। तो आप ये देखेंगे कि भाई कभी भी अपवर्ड हो तो पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव ले लो। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की, इसमें हम सारी चीजों कैलकुलेट करेंगे, ठीक। उसके बाद आपका कौन सा है भाई, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो मान के चलो आप एक बिल्डिंग पे खड़े हुए जिसकी हाइट है h, कितनी हाइट है h। अब आपने यहां से एक बॉल को मतलब एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, फेंका कुछ इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है अभी, तो आपने देखा कि अभी तो आपने ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही दी है, दैट मींस इसके पास अभी कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियली कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस है, कितनी है, आपने कहा सर यू है। आप मुझे बताओ क्या अभी ये बॉल ऊपर है नीचे जा रही है स्टार्टिंग में यहां पे, नहीं। तो इसके पास इनिशियली वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, जीरो। लेकिन जैसे ही आपके हाथ से छूटेगी ग्रेविटी इसको अपनी गोद में बिठा लेगी, बोला अब बेटा मैं कंट्रोल करूंगी तुम्हारे मोशन को। तो यहां पे देखो ग्रेविटी के कारण यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गई और यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी आ गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी कभी भी निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर लोगे। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है निकाल देंगे। चलिए अभी देखो, तो अब यहां पे क्या करना है कि भाई ये इस तरह से हम vx और vy आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी इक्वेशन बोला, सेकंड इक्वेशन, और कौन सी एक्सिस, y एक्सिस। तो देखो s = ut + rt² होता है, बोला सर होता है। अब आप यहां पे देखो कि कौन सी एक्सिस में, देखो डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस और एक्सेलरेशन y एक्सिस। तो आप ये देखेंगे कि भाई देखो डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, y एक्सिस में बॉल h हाइट पे थी, अभी कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी बिल्कुल ग्राउंड पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या ले ली, h ले ली। नाउ इनिशियली इसके पास कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, तो uy की वैल्यू जीरो। एक्सेलरेशन वर्टिकल y एक्सिस के तरफ कौन सा हो रहा है, ग्रेविटी कारण, तो a इज इक्वल टू आ गया g। साइन कन्वेंशन की बात करें तो सारा का सारा जो मोशन है ये कहां है, नीचे की साइड है। तो जब सारा मोशन एक ही साइड होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइन लो। तो देखो h इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हमने पुट किया, जीरो इज इक्वल टू हाफ जीटी स्क्वायर। तो यहां से t की वैल्यू निकल गई, ये t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि भाई प्रोजेक्टाइल को इतना टाइम लग जाएगा। अब हमें t इज इक्वल टू रूट टू एच बाय जी। अभी रेंज निकालना, तो रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो गई ये, तो रेंज निकल गई। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, बोला किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो सर कैसे निकालूंगा। तो आप ये समझो कि देखो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देखेंगे तो दो वेलोसिटी होंगी, ठीक, ये vx और vy। तो आपने देखा कि यहां पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसको आपने नाम दिया b, क्या नाम दिया b। तो आप ये देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है थीटा। चलिए तो अगर आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो कभी भी क्या करो भाई, देखो v क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, देखो रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आप ये देखो वी एक्स की वैल्यू क्या है, हमेशा सेम रहने वाली है यू, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज। नाउ इसके बाद vy क्या होता है, तो vy क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी, कौन सी इक्वेशन से निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो हमने देखो vy इज इक्वल टू, वर्टिकल वेलोसिटी है ना तो y एक्सिस ही लगने वाली है, vy इज इक्वल टू uy प्लस gt। तो आपने यहां से uy की वैल्यू तो आपको बताया क्या होती है, जीरो, ठीक। अब इसके बाद vy की वैल्यू क्या आ गई, gt। तो यहां से आप इसको ऊपर लेके चलेगा और इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, तो v इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, u स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, vy का स्क्वायर करना है ना। चलिए अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए लगाओ tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर ये हम इस ट्रायंगल की बात कर लें तो ये आपका हो जाएगा vy और ये आपके पास है vx। तो आप ये देखेंगे कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे तो ये यहां पर बन जाएगा vy अपॉन vx, vy की वैल्यू है रूट, हां जी vy की वैल्यू क्या निकाली, gt निकाली, हां vy की वैल्यू क्या निकाली है, gt, ठीक है, ठीक। चलिए तो vy की वैल्यू निकाली हमने gt, तो यहां पे सिंपल कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास gt अपॉन u। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt अपॉन u, ये आ गया आपके पास डायरेक्शन ऑफ जो नेट वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और अभी हम पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप यहां पर हेडिंग बना सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक ना। अभी समझो ना, अभी देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या, तो कुछ भी नहीं है, सेम स्टेप फॉलो करना है, सेम स्टेप। अभी देखो होता क्या है कि जब आप किसी बॉल को किसी एंगल से थ्रो करते हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, सर ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो मैंने कहा यहां पर ना अभी इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, मैंने इसको यू वेलोसिटी से फेंका, अब ये ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो आप ये बताओ इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट, एक तो ये बॉल इस साइड एक्स एक्सिस में जा रही है और ऊपर नीचे भी जा रही है, तो इसके पास दो वेलोसिटी हो गई, एक हो गई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस
और एक हो गई इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। तो आप ये देखो, जिसके साथ एंगल थीटा बनता है उसको हम बोलते हैं यू कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल वाई थीटा नहीं बनता उसको हम नाम देते हैं यू साइन थीटा। तो आप मुझे ये बताइए कि भाई ऊपर जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? तो आपने कहा सर ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है यू साइन थीटा, और आगे बढ़ने के लिए यू कॉस थीटा। तो जब भी रेंज निकालेंगे तो यू कॉस थीटा लेंगे, और जब भी वाई एक्सिस की बात करेंगे तो यू साइन थीटा लेंगे। बस इतनी सी बात है। और आप जानते हो कि मैक्सिमम हाइट पर कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाती है? वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक, कितनी हाइट पे? ये मैक्सिमम हाइट पे, एच मैक्स की जब भी हम बात करेंगे। नाउ बस कोई दिक्कत नहीं अभी। नाउ अभी समझो कि जब भी मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो आप ये बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई वाई एक्सिस में पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होने पे? देखो बॉल यहां पे थी ग्राउंड पे, और फाइनली कहां पहुंच गई? ग्राउंड पे। तो ये वेलोसिटी क्या, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी? जीरो। अब ये देखो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, तो कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह टी लिखा, ये तो निकालना है ना। अभी देखो ये मोशन ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी, पहले बॉल जा रही ऊपर और नीचे, तो अभी हम क्या लेंगे? ए की जगह पे माइनस जी, क्योंकि जो भी कन्वेंशन साइन कन्वेंशन हिसाब से देखो तो यू साइन थीटा ऊपर की साइड है तो मैंने प्लस ले लिया, और यहां पे नीचे की साइड है तो यहां पे माइनस ले लिया, हाफ जी टी स्क्वायर। अभी आप क्या करेंगे भाई, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा इस साइड, ठीक, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा इनटू टी। तो यहां से टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से टी की तो वैल्यू निकल के आएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2u sin थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया? 2u sin थीटा अपॉन जी। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या निकालनी है? रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? देखो जरा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, तो आपने यहां पे लिख दिया u cos थीटा। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या निकाली? 2u sin थीटा / g, तो आपने ये लिख दिया। अब मैंने इसको देखो u का * u से कर दिया, तो ये हो गया u स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये सीधा करके लिख दिया मैंने 2 sin थीटा cos थीटा। नाउ अभी 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन टू थीटा, या मैं कहूँ साइन टू थीटा को जब ओपन करता हूँ तो आता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अभी आप ये समझो कि भाई अगर मुझे निकालनी है मैक्सिमम रेंज, क्या निकालनी है? यहाँ पे लिखूंगा फॉर मैक्सिमम रेंज, ये तो हो गया रेंज का फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो थीटा कितना होना चाहिए? तो आप ये देखो, अगर मुझे मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो साइन होना चाहिए 90 डिग्री। हाँ, ये साइन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 वैल्यू 1 होती है ना मैक्सिमम। तो साइन 90 होने के लिए यहां पे थीटा कितना होना पड़ेगा? 45, क्योंकि ये लिखा है 2 * 2 45, तब तो 90 बनेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी रखी? 45 डिग्री। तो r = क्या होगा? u स्क्वायर sin 90 / स्मॉल g। ठीक, sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो मैक्सिमम रेंज कितनी निकल के आ गई? u स्क्वायर / g। नाउ अभी मुझे क्या निकालना है? अभी मुझे निकालना है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट के लिए क्या करेंगे? हाइट के लिए लगा दो थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन लगा दो। अब हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन लगानी, लेकिन कौन सी एक्सिस में? वाई एक्सिस में। तो v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as होता है। ठीक, नाउ वाई एक्सिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम यहां पे बात करेंगे वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस। नाउ अभी आप ये समझो कि यहां पर जो है, ये जब भी हम मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट के लिए बताओ मैक्सिमम हाइट पर बी वाई क्या हो जाता है? जीरो। चलिए, तो ये हमने क्या लिख दिया? बी वाई हो गया जीरो। ठीक, चलिए अब ये बताओ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप ये समझेंगे भाई यहां पर साइन कन्वेंशन ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा आ जाएगा? माइनस का जी, क्योंकि यहां पे मोशन दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपने बी वाई की जगह रखा जीरो, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी होती है कितनी? जीरो मैक्सिमम हाइट पे। नाउ यू वाई की जगह क्या लिखा? यू साइन थीटा का स्क्वायर, टू की जगह टू, माइनस साइन लगा दिया, ए की जगह जी, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। आप ये देखें, क्योंकि हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट तक की डिस्प्लेसमेंट लेंगे ग्राउंड से, तो हमने इसको कितना लिख दिया? h max। नाउ अभी समझो, इसको हमने जो नेगेटिव वाले को इस साइड भेजा और पॉजिटिव वाला ये रखा रह गया, तो यहां से मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू निकल के आ रही है, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा इतना। चलिए, अब आपको अगर बता दें कि इसमें कुछ छोटे-छोटे से पॉइंट्स होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि सेम रेंज, रेंज सेम कब होती है, तो याद रखना जब भी किसी बॉल को थीटा और 90 माइनस थीटा से फेंका जाता है तो बॉल जो है सेम जगह पे जाके गिरती है। फॉर एग्जांपल, अगर 30 और 60 से फेंकोगे तब भी सेम जगह पे जा गिरेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने एक बॉल फेंकी, ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रही 30 डिग्री, और आपने दूसरी बॉल फेंकी, ये ग्राउंड के साथ बना रही एंगल 60 डिग्री, तो दोनों बॉल सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेंगी। आपने एक बॉल फेंकी, ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रही 20 डिग्री, और आपने एक बॉल फेंकी जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रही थी 70 डिग्री, तो दोनों ही बॉल कहां है? सेम जगह पे जाके गिरेंगी, दोनों के लिए सेम रेंज की वैल्यू। तो थीटा
थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज कैसी होती है, सेम होती है। अगर हम बात करें कि भाई रेंज का और हाइट का रिलेशन क्या है, तो हमेशा याद रखो 4h / r = 10 थीटा लगा देना। और अगर आपसे कहा जाए मैक्सिमम रेंज और हाइट का रिलेशन क्या है, तो हमेशा याद रखो 10 मैक्सिमम रेंज कितने डिग्री में मिलती है, 45 डिग्री पे। तो 4h / r = कितना हो जाएगा, 1। तो आप ये देखेंगे कि भाई मैक्सिमम रेंज वाले केस में ये आप ये देखो 4h = क्या मिलेगा आपको, रेंज। दैट मींस अगर मैक्सिमम रेंज की हम बात करें तो मैक्सिमम रेंज हाइट के 4 गुना होती है। क्लियर हो गई। जैसे मान के चलो आपके दोस्त ने शॉट मारा और वो गया भाई 100 मीटर, कितना मीटर गया, 100 मीटर, ठीक 100 मीटर। तो इसका मतलब उस केस में जो रेंज होगी ना, रेंज होगी वो 25 मीटर होगी एट 45 डिग्री एंगल, ठीक। चलिए सॉरी, ये रेंज है तो ये कितना होगी, 25 मीटर तक ऊपर जा सकती है वो अगर 45 डिग्री पे गई तो हाइट, ठीक। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको अच्छे से समझना है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो आपको ना जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक पाथ को प्रूव करना होता है, तो उसके लिए आप सिर्फ दो बातों को याद रखेंगे कि रेंज के फॉर्मूले से टाइम फाइंड करो और उसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दो। क्या, रेंज के फॉर्मूले से टाइम निकालो और सेकेंड इक्वेशन ऑफ पुट कर दो, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पैराबोला प्रूव करने के लिए हमेशा आप याद रखेंगे कि भाई पैराबोला में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, पैराबोला की जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आती है और उसमें पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 2 होगी। चलिए आगे बात करेंगे, तो अभी आपको प्रूव करना है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है। तो उसके लिए आपने क्या किया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हमने जो हाइट है ना उसको y के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है y = ax2 + bx2 इस तरह से। चलिए ना, तो अभी देखो हाइट को हमने y के फॉर्म में लिख दिया, रेंज हमने कितनी लिख दी, रेंज हमने लिख दी x, ठीक। रेंज कितनी हो गई, रेंज हो गई हमने एक्स एक्स लिख दी, ठीक ना। अभी सुनो, तो बस वही बात है कि वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, ठीक ना। अभी देखो, तो रेंज के फॉर्मूले से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, मतलब टी निकालो, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। चलो ऐसे लिख दो, रेंज का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ अभी सुनो, रेंज का है एक्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, टाइम की जगह टी लिखा, तो टी की वैल्यू आपने निकाल दी। अब इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या भाई, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी अपन कई बार लगा चुके हैं इसको, तो देखो यहां पे आपने क्या लिखा, वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, ऊपर तक चेक कर लेना है आपको, ठीक ना, क्योंकि ये वाला पाथ भी क्या हो रहा है, पैराबोलिक। नाउ अभी समझो, ये वाई, अभी इसके बाद ये देखो कि y एक्सिस में u sin थीटा, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू मैंने निकाली है येलो से, ये लिख दी x अपॉन u cos थीटा हाफ gt स्क्वायर। तो टाइम ऑफ, यार कहूं कि टाइम की जो वैल्यू निकाली है वो कितनी है, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर लगाना, ये कर दिया। अभी यहां से आप ये देखेंगे y = sin थीटा / cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और x की जगह मैंने लिखा x, तो tan थीटा / x आ गया। अभी इसके बाद हाफ g u स्क्वायर अपन cos स्क्वायर थीटा, ये अपन ने साइड में कर दिया, और आप ये देखेंगे ऊपर क्या लिखा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अभी आप यहां पे देखेंगे कि भाई मैं क्या कर सकता हूं कि मैंने tan थीटा को मान लिया a, तो ये बन गया ax, अभी माइनस इस पूरी वैल्यू को मान लिया मैंने b, तो ये बन गया b, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है ये किस इक्वेशन के फॉर्म में आ गई, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। और जैसे आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो है लिखेंगे, तो ये आप बोल देंगे भाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 2 है, एंड हेंस प्रूव इट इज, या बोल सकते हैं हेंस वी कैन से पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। नाउ तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि भाई न्यूमेरिकल एज इट इज फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, छोटे मोटे प्रैक्टिस से बनने लगेंगे, आप कहेंगे तो सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल के ऊपर बना दूंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई इस तरह की वीडियो और बनती रहे और एनर्जी के साथ, तो भाई आप अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके शेयर करने से मुझे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक ना। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, ताकि जो हमने आज पढ़ा है उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच इज द नेक्स्ट टॉपिक डू यू वांट फॉर योर क्लास 11। थैंक यू गाइस।